थानागढ़ा के आरक्षक अजय श्रीवास्तव ने कोविड 19 से 9 सितंबर से जंग लड़कर आज 20 सितंबर को आशीष अस्पताल से विजयी होकर निकले, जहां आशीष हॉस्पिटल के कर्मचारियों एवं थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने थाना के स्टाफ के साथ ताली बजाकर स्वागत किया एवं घर के लिए रवाना किया। जबलपुर में जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं हैं, वहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर्याप्त हैं और कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है। जिला प्रशासन के इस दावे की खुद जबलपुर पुलिस ने पोल खोल दी है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल जहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे हैं, वहां इलाज करवाना रिस्क लेने के बराबर है। रविवार को गढ़ा थाने में पदस्थ आरक्षक अजय श्रीवास्तव ने कोरोना से जंग जीत ली और निजी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। थाने के टीआई राकेश तिवारी आरक्षक श्रीवास्तव के कोरोना से ठीक हो जाने पर बेहद प्रसन्न नजर आए, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि कोरोना पीड़ित आरक्षक को मेडिकल कॉलेज में दाखिल न कर निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी है, जिसके चलते वे अपने स्टाफ के लिए रिस्क नहीं ले सकते। सवाल यह उठता है कि जब सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है, तो जिला प्रशासन कमियों को ठीक करने के बजाय उस पर पर्दा क्यों डाल रहा है। सर, आपके यहाँ से एक कोरोना पॉजिटिव सिपाही पाया गया था, आज शायद उसका डिस्चार्ज कराया गया है। हाँ, हमारे यहाँ आरक्षक अजय श्रीवास्तव जो है दिनांक 9 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, वो घर में क्वारंटाइन थे। दिनांक 11 तारीख की देर रात और 12 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में उनको टेम्परेचर 103 बढ़ा और कुछ ऑक्सीजन की लेवल जो है 95 के आसपास आ रहा था, तो हमने तत्काल जो है प्राइवेट अस्पताल में आशीष अस्पताल में कोतवाली CSP साहब के माध्यम से वहाँ पर उसको भर्ती कराया था और बीच में ऑक्सीजन का थोड़ा लेवल उसका मेंटेन किया और उसके बाद में आज जो है 20 तारीख को वो स्वस्थ हो गए हैं और उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है और हम अपने थाने और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से उसको उसके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और ईश्वर करते हैं कि वो और भी लड़ाई में कोरोना फाइट में एक्चुअल कोरोना फाइटर हमारा अजय। सर, जैसे माना जाता है मेडिकल पास में है और गढ़ा पुलिस कम से कम दिन भर में 10 से 12 चक्कर लगाती है, कहीं ना कहीं संकलित हो रही है पुलिस, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेडिकल में ऑक्सीजन और आने वाले मरीजों की स्थिति, संख्या और जो ऑक्सीजन के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो सीमित हैं, जिसके कारण से सभी को ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। तो मजबूरी में अब चूँकि मैं अपने कर्मचारी के उसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए मैंने प्राइवेट अस्पताल में और चूँकि शासन के वो भी है कि बेस्ट हम इलाज कराएं अपने कर्मचारी का, हम अपने कर्मचारी को खो नहीं सकते, इसके लिए जो मेरा और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का डिसीजन था कि तत्काल उसको प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज कराया जाए, इसलिए हमने उसको इलाज कराया। ऐसा नहीं, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं जो एक्यूट प्रॉब्लम में होते हैं। अभी कल ही मैंने एक कर्मचारी मेट्रो से शिफ्ट हुआ, उसको सिर में कहीं एक्सीडेंट में चोट थी, वो कोमा में था, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, चूँकि वो पॉजिटिव के सस्पेक्ट स्थिति में था, तो उसको मेट्रो से डिस्चार्ज किया गया। तो मैंने चार प्रयास करके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से और जो भी अपने मेडिकल के हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके माध्यम से उसको कल 11:30 रात को मैंने वेंटिलेटर में उपलब्ध कराया। परसों रात को सुखसागर में एक अपने थाना तिलवारा के एक कर्मचारी थे प्रधान आरक्षक अशोक चढ़ा, उनकी भी तबीयत अचानक ख़राब हुई, तो सुखसागर क्वारंटाइन थे, तो उनको मैंने रात में कोशिश की थी वरिष्ठ अधिकारियों और मेडिकल के बड़े डॉक्टर्स और सभी डॉक्टरों की मदद से उनका इलाज उनको भर्ती कराया। सर, एक TI होने के नाते बाकी TIOं के लिए और स्टाफों के लिए क्या संदेश देंगे आप, जो आपका सराहनीय काम था आज? मेरा ये है कि ये मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे ईश्वर ने और मेरे विभाग ने इस लायक बनाया है। मैं प्रयास करता हूँ कि पुलिस विभाग के ही नहीं, जो लोग भी मेरे पास में अगर किसी उससे अप्रोच कर सकते हैं और मैं किसी के लायक
अगर हो सकता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ और सफलता मिलना और वो है भगवान की दया, वरिष्ठों का मार्गदर्शन और कर्मचारियों का सहयोग, इससे ही हम विजयी हो सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।